तो आखिर रात में ट्रेन में ऐसा क्या हुआ कि पति पत्नी के होश उड़ गए। तो आइए जानते हैं छोटी इस वीडियो में। अगर आप ट्रेन लवर हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना। न्यूज में छपे एक आर्टिकल के अनुसार महिला और उसका पति और 3 महीने का छोटा बच्चा एक ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। ट्रेन के स्लीपर कोच में ऊपर वाली सीट पर उसका पति, बोले तो मिडिल सीट पर उसकी पत्नी और उसका बच्चा यात्रा कर रहे थे। दोनों ही पति पत्नी आराम से ट्रेन की यात्रा का आनंद ले रहे थे और इसी आनंद के बीच उन दोनों की आंखें लग जाती हैं, जिसके बाद वो दोनों गहरी नींद में सो जाते हैं। ट्रेन जब किसी वजह से बीच में रुकती है तो पति की आंखें खुल जाती हैं और वो नीचे झांक के देखता है कि मेरी पत्नी और बच्चा ठीक तो है या नहीं। लेकिन जैसे ही वो नीचे झांक के देखता है तो उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है कि मेरा 3 महीने का बच्चा आखिर गया कहां पे। और वहीं उसकी पत्नी गहरी नींद में सो रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन उसका बच्चा तो गायब ही था। जैसे ही इस घटना की पूरे कोच को पता लगती है तो पूरे ही कोच में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। पति पत्नी दोनों ही मिलकर पूरी ही ट्रेन में ढूंढने लगते हैं लेकिन बच्चा उनको कहीं नहीं मिलता। लेकिन फिर जो होता है, आप या मैं या वो पति पत्नी दोनों सोच ही नहीं सकते कि ऐसा भी कभी हो सकता है क्या। सुबह होती है तो रेलवे पुलिस बच्चे के अपहरण की शिकायत दर्ज कर लेती है, लेकिन 48 घंटे बाद उस बच्चे के पिता को कुछ ऐसा पता लगता है जिसके बाद उसके खुशी का ठिकाना नहीं होता। उसी ट्रेन में और उसी कोच में और उसी सीट पे एक महिला को बच्चा सोता हुआ मिलता है, जिसके बाद वो महिला उस बच्चे को इंदौर के रेलवे स्टेशन पर GRPF को सौंप देती है। लेकिन क्वेश्चन तो वही खड़ा है कि ट्रेन की जब पूरी छानबीन कर ली गई तो वो बच्चा वहां कैसे आया, वो भी 48 घंटे बाद। लेकिन सबसे अच्छी बात, एक माँ को उसका बच्चा वापस फिर से मिल गया। लेकिन क्वेश्चन वही पर खड़ा है कि वो बच्चा 48 घंटे बाद वहां पर आया कैसे। तो आप मुझे कमेंट करके बताना ये कोई साजिश थी या मन से रचा हुआ कोई ढोंग था। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।